अंबाला शहर में घरेलू नौकरानी द्वारा अपनी मालकिन को साथी से किडनैप करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में नौकरानी और उसके साथी को गिरफ्तार कर किडनैपिंग की वारदात का खुलासा किया है। आपको बता दें, अंबाला शहर बलदेव नगर में ही रहने वाली बुजुर्ग विपिन छिब्बर को उसके साथ सैर पर ले जाने वाली नौकरानी ने ही नाटकीय अंदाज में किडनैप करवा दिया। 7 महीने पहले काम पर रखी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की नौकरानी वीना के साथ 69 वर्षीय विपिन छिब्बर रोजाना की तरह सोमवार शाम सैर करने गई थी। जब विपिन करीब 1.25 घंटे बाद भी सैर से वापस नहीं लौटी तो पति सुरेश छिब्बर को चिंता होने लगी। पत्नी के पास फोन नहीं था तो नौकरानी को फोन किया। नौकरानी ने जो बताया उससे पति के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। नौकरानी ने कहा कि उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है और उन्हें कुछ सुंघाया भी गया। उन्हें किसी कमरे में बंद किया हुआ है। किडनैपर 12 लाख रुपए मांग रहा था। बुजुर्ग के पति सुरेश ने समधी को सारी बात बताई और मामला पुलिस तक पहुंचाया गया। सीआईए वन व बलदेव नगर पुलिस महिला की तलाश में जुट गई। विपिन ने हाथों में सोने के कड़े, अंगूठी व चेन समेत कई 4-5 तोले के गहने पहने थे, इसलिए डर था किडनैपर लालच में जान न ले ले। सुबह नौकरानी विपिन को लेकर घर पहुंच गई। पुलिस ने नौकरानी से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला वे साजिश में शामिल थे। पुलिस ने नौकरानी व उसके भाई के दोस्त सन्नी को पकड़ लिया। SHO सुनील दत्त ने बताया कि थाना बलदेव नगर में केस दर्ज कर लिया था। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी से विपिन छिब्बर की अंगूठी व कड़े बरामद किए जाने हैं। कल रात को लगभग 8 बजे 7-8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बलदेव नगर से विपिन छिब्बर नाम की महिला, जो लगभग 69 वर्ष की आयु, उन्होंने एक मेड रखी हुई थी अपने घर पे, वो वीना नाम की मेड रखी हुई थी, जो उसको घुमाने फिराने के लिए ले जाती थी शाम के समय पार्क में, गांधी पार्क में और उसके आसपास घुमा के 1 घंटे के लिए बाद वापस आ जाती थी। जब वो 7, 7:30, 7:15 तक वापस आ जाती थी, जब 8 बजे तक 7:45 बजे तक वापस नहीं आई तो उनके महिला बुजुर्ग महिला के पति ने अपनी मेड के फ़ोन पर फ़ोन मिलाया कि भी आए नहीं, तो उन्होंने उस समय फ़ोन थोड़ी देर बाद उठाया और कहा कि ये मेरे को तो किसी ने किडनैप कर लिया, मेरे को और आंटी को किडनैप कर लिया है किसी ने। तो उसके बाद इन्होंने, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने समधी को बताया कि भी ऐसे ऐसे होगा। फिर उन्होंने कॉल की, तो उनके कॉल करने के बाद उन्होंने फिर कहा कि जी हमें को बेहोश करके कहीं कमरे में बंद कर रखा है। इस प्रकार से हमारे को सूचना प्राप्त हुई तो हम जिस नंबर से ये कॉल आ रही थी उसके हमने लोकेशन वगैरह ली, लेकिन पूरी रात हम इस बारे में लगे रहे। तो जो महिला है वीना, जो कि मेड का काम करती थी, उसी के फ़ोन से कॉल हो रही थी, तो उसके मोबाइल नंबरों को खंगाला गया, लेकिन कोई हमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। लेकिन सुबह हमें इस बात का शक हो गया कि अभी उसने किया है, तो सुबह महिला और जो बुजुर्ग महिला थी वो दोनों घर पहुंच गए सकुशल। पूरी रात हमारी टीम चलती रही, तो सुबह वो सकुशल जब घर पहुंचे हैं, घर पहुंचने के बाद फिर हमें उस नंबर से फिर भी कॉल आते रहे, भाई हमें फिरौती चाहिए। तो वो 12 लाख रुपए मांग रहे थे, 5 लाख 6 लाख कभी ऐसे ऐसे बात करते रहे, यहाँ लेके आओ यहाँ लेके आओ, मैं सिम तोड़ दूंगा, मैं कर दूंगा, फ़ोन ऑन करके बंद कर देता। तो बड़ी मशक्क़त के बाद फिर सनी नाम का युवक है जिसने उस वीना मेड के साथ मिलकर ये साजिश रची और उनको यहीं आसपास एक अपने जहां उन्हें रूम लिया हुआ था कहीं, उस रूम पे रखा है 2nd फ्लोर पे, वहां पे उनको रखा है रात भर, और फिर वो वहां से उससे अंगूठी वगैरह से सामान वगैरह लेके गायब हो गया था। तो वो वीना भी और जो इसका जो इसमें साजिश करता वीना और सन्नी जो है, उन दोनों को काबू कर लिया गया। यहाँ कहाँ रहते थे ये और क्या काम करते थे ये सन्नी जो है, ये वीना जो मेड है इसके भाई के साथ काम करता था पहले, अब इसके पास काम नहीं था, इन दोनों की ये काम करके कुछ हम पैसा कमाते हैं, पैसे अवैध रूप से पैसा वसूल करते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग महिला और वो दंपति हैं दोनों, वो अकेले घर पे रहते हैं, उनके दोनों पुत्र और पुत्रवधू दोनों UK में हैं। तो उनके मन में यही रहा कि भी इनसे पैसे मांग के हम पैसे आधे आधे बांट लेंगे, ये इनकी प्लानिंग रही। हाँ बिल्कुल जी, दोनों जो साजिशकर्ता और जो किडनैपर दोनों को अपना शामिल तफ्तीश कर लिया, पूछताछ कर लिया और उनको काबू किया गया।
पुलिस टीम परिजनों के जरिए आरोपी से संपर्क में थी। सन्नी नौकरानी का फोन इस्तेमाल करते हुए बार बार लोकेशन बदल रहा था और बीच बीच में फोन भी बंद कर रहा था। आरोपी कभी काकड़ू में पैसे भिजवाने के लिए कहता तो कभी कहीं और, जिसे पैसा देने का लालच दिया जा रहा था। और इसी सिलसिले को बनाते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। करीब 14 घंटे चले इस प्रकरण में पुलिस ने नौकरानी की भूमिका के एंगल से काम करना शुरू कर दिया था। नौकरानी सुबह 7 बजे विपिन को लेकर पहुंची तो उसने बताया कि किडनैप कर लिया था और मारपीट भी की गई। किडनैपर ने उसका फोन छीन लिया। इस फोन से ही किडनैपर फिरौती मांग रहा था। जब पुलिस नौकरानी से सख्ती से पेश आई तो उसने न केवल आरोपी की पहचान बल्कि मिली भगत भी उगल दी। पुलिस के मुताबिक सन्नी नौकरानी के भाई का दोस्त है। वीना को पता था कि विपिन के दोनों बेटे अमेरिका में हैं और दोनों बुजुर्ग घर में अकेले रहते हैं, इसलिए किडनैपिंग की प्लानिंग की गई। वीना की माँ सुरेश चिब्बर के समधी के घर में करीब 20 साल से घरेलू नौकरानी थी।